टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और जैसे कि हमेशा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं कि जी मनी हेल्थ शो के हर नए एपिसोड में आपको मिलाएंगे एक एक्सपर्ट से जो कि आपको देंगे सही राय। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। देखिए, हम खाना अच्छे से खाते हैं विद अ वेल बैलेंस्ड मील ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिंस, मिनरल्स, लेकिन कितना न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए? बिकॉज ये न्यूट्रिशन ही है जो हमें हेल्दी बनाता है, हम फिट रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। और आज हमारे साथ है हेल्थ कोच, न्यूट्रिशन कोच मिस्टर मनीष, जो कि वेलनेस मंत्रा के फाउंडर हैं और पिछले 9 सालों से लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में गाइड कर रहे हैं और कई सारे लोगों की लाइफ्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। सो कोच मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन के बारे में, वैसे हर माँ भी ये चाहती है कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, मतलब न्यूट्रिशन का ये इम्पोर्टेंस है, ये महत्व है, तो आप हमें बताइए हमारे व्यूवर्स को न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों को न्यूट्रिशन क्या है ये वर्ड ही मालूम नहीं है जी। तो न्यूट्रिशन क्या है वो पता होना जरूरी है। न्यूट्रिशन बेसिकली पौष्टिक आहार जो है वो होता है जो हमारे खाने में ही है, जिससे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स और विटामिन, मिनरल्स ये। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि सही तरह से और कैसे लेना है। और हमारा इंडिया जो है वो उनका जो खाना है वो कार्ब बेस्ड ज़्यादा खाना होता है। सो हाँ, तो इसीलिए लोगों को बाकी की चीज़ें मालूम नहीं होती कि प्रोटीन भी चीज़ जो है वो खाना ज़रूरी है। काफ़ी मिथ है प्रोटीन के बारे में। सो इसलिए न्यूट्रिशन जो है वो हेल्थ के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो सेल्स है बॉडी के, वो सेल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और हमारे जो, जैसे मैंने कहा कि हमारे खाने में वो नहीं मिल रहा है। तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे, आज जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिस पे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा जी। तो अच्छा, एक और चीज है, आजकल सबको फिटनेस का बड़ा क्रेज है, जिम, योगा, एक्रोबैट्स एंड व्हाट नॉट, सो सबका फोकस एक्सरसाइज पे है लेकिन न्यूट्रिशन पे नहीं है, तो आपके हिसाब से कितना सही है? ओके, नॉर्मली क्या होता है कि 80% जो है ना वो क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है और 20% ही एक्सरसाइज या वर्कआउट इम्पोर्टेंट है। पर लोगों को ऐसे लगता है कि मैं एक्सरसाइज या वर्कआउट करूंगा तो फिर मेरा वेट लॉस होगा या मैं फिट रहूंगा। अब मैंने देखा है, मेरे सेंटर के बाजू में एक जिम थी और वो जिम के बाहर इडली और वड़े वाला रहता था, साइकिल वाला। तो लोग जिम करते थे और बाहर आके वो इडली वड़ा खाते थे। तो आप जो भी आपने कैलोरीज बर्न किया है वो बाहर आके वो इडली वड़ा खा के, जो फ्राइड होता है, मतलब वड़ा जो होता है वो फ्राइड होता है, राइट, और उनकी जो ग्रेवीज होते हैं वो भी हाई कैलोरीज होते हैं, तो उनको सीरियसली नहीं मालूम होता है। और फिर वो सोचते हैं कि मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है या मेरे मसल्स क्यों नहीं बढ़ रहे। सो वो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता। इनफैक्ट जो जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, वो गार्डन में वॉक करेंगे और बाहर आके वड़ा पाव या समोसा खाएंगे और फिर सोचते हैं मेरा कम क्यों नहीं हो रहा है। सो ये लोगों को अभी भी मालूम नहीं है कि इम्पोर्टेंट क्या है। सो 80% जो है डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है, 20% ही एक्सरसाइज या योगा या जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपने समझाया, आई एम श्योर आप भी रिलेट कर रहे होंगे इन बातों से। अच्छा, अगर न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं तो कोच मनीष, ये बताइए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन जो है, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो ऐसे दो तीन टाइप्स के होते हैं जिसमें जैसे प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स ये हो जाते हैं और फैट्स होते हैं। सो ये अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन है। और ये हमारे जैसे फाइटो न्यूट्रिशन है वो प्लांट बेस्ड होता है और जो माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं वो वेजिटेबल्स और इससे मिल जाता है, हमें फ्रूट से मिल जाता है। और माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे नॉन वेजिटेरियन से भी मिल जाता है, वेस्ट से भी मिल जाता है, तो वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है। सो ये बेसिकली किस चीज से मिलता है उसका नॉलेज ज्यादा होना जरूरी है, तो वही हम बेसिकली गाइड करते हैं कि आपको क्या खाने से क्या न्यूट्रिशन मिल सकता है। ओके, अच्छा एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बड़े सारे लोग या मेरी तरह हमें लगता है कि हम एक अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, दही, हम सब खाते हैं, तो फिर भी क्या
हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी है और वो कैसे पता लगाया जाए, क्या न्यूट्रिशन की कमी से आगे चलकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं हेल्थ वाइज? एक सर्वे हुआ था बेसिकली 1953 में, जो हम स्पिनच होते पालक की सब्जी में एक जो जुड़ी होती है ना, मतलब एक बंडल होता है पालक का, वो पालक में जो न्यूट्रिशन है वो 1953 में जो था वही सेम न्यूट्रिशन वैल्यू 1997 में किया गया, तो 43 पालक का जो ये है वो लेना पड़ा। अब समझ रहे हो डिफरेंस, 53 में एक और 1997 में 43 पालक, तब जाके वो वैल्यू जो है ना वो बैलेंस हुआ, न्यूट्रिशन वैल्यू। तो अभी आप समझ लीजिए हम 2022 में है, तो वही पालक की सब्जी हमें कितनी खाने पड़ेगी। तो बेसिकली न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अभी बाहर जितने भी अनाज या जो भी फल फ्रूट मिल रहे हैं वो काफी कम हो गया। आपको मालूम होगा, हम बोलते हैं ना एप्पल अ डे डॉक्टर अवे, अभी एक एप्पल से नहीं होगा, आपको एक साथ 10 से 12 एप्पल खाने पड़ेंगे। अच्छा, जो कि नहीं खाएंगे आप, राइट? हाँ, सो इसीलिए जो है हमें कुछ सप्लीमेंट्स बाहर से लेना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे खाने से नहीं मिल रहा है न्यूट्रिशन। सो मैं ऑलवेज सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूँ और तभी हमारा जो ये है जो भी शरीर को जरूरी है वो कम्प्लीट हो सके। ओके, अच्छा डॉक्टर, एक और आजकल देखते हैं हम सेलिब्रिटीज भी बड़ा फॉलो कर रहे हैं, सो लोग बिना किसी की सलाह के आजकल वो इंटरमिटेंट फास्टिंग और इन सब चीजों में है कहीं ना कहीं, आपके हिसाब से क्या फास्टिंग इज अ गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी वीडियो देख के या ये कर रहा है तो मैं भी ऐसे सेम करूंगा, वैसे मत कीजिए, राइट? किसी भी कोच के साथ कीजिए, जैसे कि जिम में पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं वैसे भी डाइटिशियंस भी है, आप कोई भी डाइटिशियन सर्टिफाइड डाइटिशियन उनके साथ ही आपका जो डाइट है वो कीजिए। और रही बात फास्टिंग की, तो फास्टिंग में क्या होता है, आप फास्टिंग करते हो आपका वजन तो कम हो जाता है लेकिन आपके मसल्स डाउन होते हैं। सो मसल्स डाउन हो जाएंगे तो आप फिर बीमार पड़ोगे जी। और फिर बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर बोलेंगे कि आपको खाना पड़ेगा, तो आप खाओ, फिर घर से आपको घी वाले खाना और भी चीज भी ये सब दिया जाएगा ताकि आपका वजन बढ़े और फिर आपका वजन गेन हो जाएगा। सो फास्टिंग इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस या फिट रहना, प्रॉपर तरीके से करोगे तो ही होगा आपका, और कोच के गाइडेंस के अंदर कीजिए। यानी कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप कोई भी ऐसी नई चीज को ट्राई करें, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट। एंड मुझे आपसे एक और चीज जाननी है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है? यस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये जो आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया ना उसके रिलेटेड ही है। जैसे कि आपने कहा कि फास्टिंग से क्या होता है, तो फास्टिंग वेट लॉस में क्या होता है, मसल्स डाउन हो जाते हैं। लोग मालूम है लिक्विड डाइट करते हैं, सिर्फ पानी में पीते हैं या संतरे का जूस लिक्विड ही पीते रहते हैं। हाँ, राइट, जूस और इससे, और फिर कुछ सिर्फ फास्ट करते हैं, पूरा दिन खाली पेट रहेंगे या फिर रात को खाना नहीं खाएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे फैट तो कम हो जाते हैं लेकिन मसल्स भी डाउन हो जाते हैं, और मसल्स डाउन हो जाते हैं तो जैसे मैंने कहा बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मसल्स ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन फैट लॉस में क्या होता है, फैट लॉस में डाइट जो है ना वो प्रोटीन बेस्ड होता है, तो प्रोटीन बेस्ड होने की वजह से क्या होता है कि आपका फैट तो कम होते ही है लेकिन हमारे मसल्स गेन हो जाते हैं। तो हमारा वो हेल्दी डाइट हो जाता है और हम बीमार नहीं पड़ते, हमारे मसल्स काफी अच्छे हो जाते हैं और हम वजन कम होने के बाद भी फिट रहते, बीमार नहीं पड़ते। सो ये डिफरेंस है फैट लॉस और वेट लॉस में। सो फैट लॉस में ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि वेट लॉस में। ओके, अच्छा आपने सप्लीमेंट्स की काफी बात की, कुछ सप्लीमेंट्स, क्योंकि क्या है कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो पुराने जमाने के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो सप्लीमेंट्स में विश्वास नहीं रखते, उन्हें लगता है ये आर्टिफिशियल है। तो अभी जितने लोग देख रहे हैं आप, उन्हें सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर कि क्यों जरूरी है ये, सेफ है कि नहीं, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कंज्यूम किया जा सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में बचपन से ही सप्लीमेंट दी जाती है। आपको मालूम है बच्चों को, एक छोटे बच्चों को भी डब्बा आता है सेरेलैक्स का जी। वो क्या है,
सप्लीमेंट ही है ना, डॉक्टर खुद ही लिख के देते कि दूध से उनको पोषक आहार नहीं मिल रहा है तो ये डब्बा लो और ये डब्बा दो, तो सप्लीमेंट मिलता ही बच्चों को, छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है। लेकिन फिर बाकी के भी ब्रांड्स आते हैं, थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हाइट बढ़ने के लिए या भूख लगने के लिए फिर और दो तीन ब्रांड्स है मार्केट में, राइट। टीवी भी हम देखते हैं, फिर वो देख के हम बच्चों को देते हैं, जैसे हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है, बूस्ट है, तो ये क्या है, सप्लीमेंट ही है। लेकिन हम बड़े हैं तो फिर हम सप्लीमेंट यूज नहीं करते, क्यों? क्या बच्चों को ही सप्लीमेंट की जरूरत है? बड़ों की नहीं, बड़ों को उतना पोषक आहार मिल रहा है, सो बड़ों के लिए भी इसकी जरूरत है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज करता हूँ। मैंने खुद 20 kg फैट लॉस किया, मेरी फैमिली, यस 20 kg मैंने किया। That's the secret to your fitness. Yes, yes, yes. और काफी overweight था, health issues काफी थे, bad habits काफी थे, और उसी से journey जो है मेरी ये health coach की शुरू हुई थी। और मेरी family भी ये जो supplements थे वो use करती है, क्योंकि fit रहने के लिए मेरे बच्चे भी use करते हैं, उनकी भी growth काफी अच्छी हुई है, height से लेके brain development भी काफी अच्छी है। So, supplements जरूरी है, और हर कोई अगर expert कोई अगर dietitian हो तो उनको ये मालूम है कि supplements कितने जरूरी है। Definitely। अच्छा, मैं दो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, मुझे quickly उनका जवाब दीजिए कि लोग वेट लॉस के बाद भी वेट गेन क्यों कर जाते हैं, और हर कोई बड़ा डिमोटिवेटेड हो जाता है कि अभी तो मैंने 8 kg घटाया और अब वेट बढ़ने भी लग गया। लोग जब वेट लॉस करते हैं ना, फिर कुछ भी हो, मतलब किसी भी तरह से हो वेट लॉस करते हैं ना, तो हमारा एक मेटाबॉलिक रेट होता है बॉडी में, वो जो है ना वो हर एक का यूनिक होता है ऑब्वियसली, लेकिन वो ना वो बूस्ट हो जाता है वो टाइम पे। अभी सपोज अगर हम वेट लॉस में ये सब पर्टिकुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, राइट, लेकिन फिर क्या होता है कि बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, एक प्लेटो आ जाता है कि वजन कम होता ही नहीं है, ठीक है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरा भी वजन कम ही नहीं हो रहा है, इनफैक्ट बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि बॉडी को पता चलता है कि अभी ये कुछ इतना ही खाना खाएगा, ये कम नहीं मतलब बढ़ाएगा नहीं, तो फैट फिर स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो एक तो वो प्लेटो तोड़ना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, या नहीं तो फिर वजन बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बूस्ट हुई रहती है, मतलब मेटाबॉलिक रेट बूस्ट हुआ रहता है, तो इसलिए लोगों को फिर क्रेविंग या भूख थोड़ी ज्यादा लग जाती है, और जैसे आपने कहा कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो डीमोटिवेट से भी लोग बोलते हैं अभी जाने दो, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहे तो खा लेते हैं, तो ऐसे ना कीजिए। मेरे जो कस्टमर्स होते हैं ना, तो उनको ऑलवेज मैं मोटिवेट करता रहता हूँ कि नहीं आपको ये करना है, क्या करना है, और प्लेटो आया तो फिर क्या करना है, तो उनको फिर वैसे रिजल्ट आ जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस जरूरी होता है इसमें, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो मेरा भी सवाल है और मैं भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि वेजिटेरियंस में प्रोटीन की कमी होती है, बिकॉज वेजिटेरियन सोर्सेस कम है, तो वेजिटेरियंस को तो सप्लीमेंट्स लेने ही चाहिए, उनके उनको आगे चलकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जो नॉन वेजिटेरियंस को नहीं होती। हाउ ट्रू इज दिस? ये सच है, क्योंकि एक सर्वे हुआ था उसमें 92% वेजिटेरियंस में डेफिशिएंसी है प्रोटीन्स की। अच्छा। यस, और 85% नॉन वेजिटेरियंस में डेफिशिएंसी है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस में क्या नॉनवेज सोर्स से ज्यादा मिल जाता है और वेजिटेरियंस में काफी कम है, और जो भी है ना उसमें कार्ब्स भी ज्यादा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, अगर आप पीनट्स खाओगे, पीनट्स में प्रोटीन है लेकिन पीनट्स में कार्ब्स भी है, फैट्स भी है, तो आप अगर वो खाने जाओगे बोलेंगे नहीं मैं उसमें प्रोटीन मिलेगा, लेकिन आपका कार्ब्स भी मिल रहे हैं, राइट, तो उतने आप फैट बर्न भी कर रहे हो क्या, तो वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इवन सबके लिए सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, लेकिन आप कोच के गाइडेंस के अंदर लीजिए। ओके, सो यहाँ पर कोच मनीष कह रहे हैं कि यस सप्लीमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, आपका फैट लॉस होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, सो यस अपने डाइट में आप सप्लीमेंट शामिल करें, लेकिन खुद से नहीं, एक एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ।
ओके सो कोच मनीष ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और मेरे मन में भी जो सवाल थे मुझे इनके जवाब मिल गए हैं. सो मैं तो अपने सप्लीमेंट्स जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ और आप भी अगर सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में और जानना चाहते हैं, सो वेल कोच मनीष ने तो काफी अच्छे से हमें गाइड किया है. एक्सपर्ट की राय के बिना कुछ भी ट्राई ना करें, दैट कुड बी डेंजरस. सो थैंक यू सो मच कोच मनीष, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और इतने अच्छे टिप्स आपने हमारे साथ शेयर किए. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. ओके गाइस, सो दैट्स नेहा बजाज और आज हम वंस मोर. ओके गाइस, सो अब वक्त हो गया है मेरे जाने का. मैं आपसे मिलूंगी जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में नए एक्सपर्ट के साथ. टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.